वर्ष 2015 में दो लोगों की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पांच आरोपियों को फांसी की सजा। एक आरोपी का किया आजीवन कारावास। दो लोगों की हत्या के मामले में छह लोग थे नामजद। एडी थर्ड ने सुनाई फांसी की सजा। दहलीगढ़ थाना इलाके के शाहजमाल में जमीनी विवाद को लेकर हुई थी हत्या। दरअसल दिल्ली गेट थाना इलाके के महमूद नगर में 24 जुलाई 2015 को एक शादी समारोह के दौरान नौसे और चांद की गोली मारने के बाद लाठी डंडों से पीट पीट कर जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था। आज एडीजे थर्ड राजेश भारद्वाज ने हत्या में नाम दर्ज किए गए कपिल भूरा, आसिफ, एहसान, अमित ठाकुर पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं एक आरोपी वकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद जैसे ही आरोपी जिला कारागार के लिए जा रहे थे उस वक्त भारी तादाद में लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। इसमें हमारे जैसा एडीजे तीन राजेश भारद्वाज जी हैं। तो ये डबल मर्डर था थाना दहलीगेट का, जिसमें नौसे और चंदा दो लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें छः लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें एक जो है एडवोकेट्स हैं हमारे गैसुद्दीन, उनको आजीवन कारावास हुआ है। बाकी पांच लोगों को फांसी की सजा दी गई है, जिसमें कफिल भूरा, आशिफ ठाकुर, एहसान और अमित ठाकुर। ऐसे अलीगढ़ कोर्ट के इतिहास में कितने दिनों में इस तरीके का फैसला आया? लगभग 20 साल से हो ही गई मेरे ख्याल में। कितने लोगों को फांसी बताया? कितने इसमें पांच लोगों को फांसी हुई है और एक को आजीवन कारावास। कौन सी कोर्ट है जिसमें जी? एडीजे तीन अपर जिला थर्ड। अच्छा, जो घटना थी वो कौन सा थाना क्षेत्र बताया गया? थाना दहलीगेट। किस तरीके से मर्डर हुआ था वो? मर्डर इनको जो है एक शादी समारोह में वाद देने गए थे लोग, तो वहीं इनको रोका और बुलाकर उनको बाहर निकाल कर उनके साथ में फांसी उनके साथ में गोली मारी। उसके बाद में ईंट पत्थरों से बहुत बेरहमी से उन लोगों को दोनों को मारा गया। किस सन की बात है? जिस सन 2015 की बात है। डेट कौन सी रही थी? डेट जो है 24/7।